हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। द पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो रेल। ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर। इसका राइट आंसर है दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबे लाइन 8 यानी मेजेंटा लाइन पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? रिसेंटली सुगाथा कुमारी हैज पास्ड अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ऑप्शन है डॉक्टर, कवि, शास्त्रीय नर्तक, क्रिकेटर। इसका राइट आंसर है कवि। मशहूर मलयालम कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का कोरोना से निधन हो गया। तिरुवंतपुरम के जवाहर बाल भवन की प्रिंसिपल रही सुगाथा कुमारी केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थलीर की प्रधान संपादक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी। ऑप्शन है लखनऊ, राउरकेला, पुणे, नागपुर। इसका राइट आंसर है राउरकेला। उड़ीसा के राउरकेला शहर में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। यह घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की थी। स्टेडियम का निर्माण बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राउरकेला में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द डिकेड। ऑप्शन है लियोन मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मकोतो हसेबे। इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सकर अवार्ड्स से में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। रोनाल्डो ने लियोनेली मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च विच हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जन कल्याण स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोग स्वास्थ्य बीमा योजना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कर दी है। जम्मू कश्मीर के हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? विच नॉटेड डांस हिस्टोरियन एंड क्रिटिक रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87।
ऑप्शन है सुनील कोठारे, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल, प्रकाश अरोड़ा। इसका राइट आंसर है सुनील कोठारी। प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें साल 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड फिटनेस सर्टिफिकेट? ऑप्शन है 31 मार्च 2021 तक, 31 अगस्त 2021 तक, 21 दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक। इसका राइट आंसर है 31 मार्च 2021 तक। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको आईसीसी मेंस टी20 और दशक की ओडीआई टीमों का कप्तान नामित किया गया है? वो हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस टी20 एंड ओडीआई टीम्स ऑफ द डिकेड। ऑप्शन है एमएस धोनी, विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ। इसका राइट आंसर है एमएस धोनी। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी आईसीसी में टी20 और दशक की ओडीआई टीमों का कप्तान नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दशक की आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? वो हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड। ऑप्शन है विराट कोहली, एमएस धोनी, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन। इसका राइट आंसर है विराट कोहली। दशक की आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान विराट कोहली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इन विच स्टेट एन 18 फीट टॉल स्टैचू ऑफ द लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन अनवेल्ड? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? इन विच स्टेट विल पुनिटिव एक्शन बी टेकन अगेंस्ट द ऑनर ऑफ व्हीकल विद कास्ट स्टिकर्स? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द डिलीजेंस पोर्टल विद 22 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशासन दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है?
गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी इन टाइगर रिजर्व हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है गुजरात, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी को मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? The United States has prepared a plan to install the first nuclear reactor on the moon by the end of which year? ऑप्शन है 2030, 2028, 2035, 2026। इसका राइट आंसर है 2026। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।